एट फेज की डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्शन जो है संपन्न हो गई। इसमें आज किड़िया गंडियाल जो डीडीसी कॉन्स्टिटुएंसी है उसके लिए हमारी इलेक्शन थी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जिसमें 44 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और 21,453 टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स थे, जिसमें से जो पोल हुए हैं 15,860 हुए हैं, 8,348 मेल और 7,552 फीमेल। आज की जो पोलिंग परसेंटेज है ओवरऑल परसेंटेज 73.93% गई है, जो अभी तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इसमें एक सरपंच की कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी वैकेंट सीट थी जिसके अगेंस्ट इलेक्शन हुआ, और एक वैकेंट पंच सीट की जो है वो एक अनअपोज इलेक्ट हो चुके हैं पहले ही, जो धन्ना पंचायत में वार्ड नंबर 6 में थे। टोटल कैंडिडेट जो इसके फ्रेम में थे 6 कैंडिडेट थे, सरपंच के लिए 2 कैंडिडेट थे। इसके अलावा मैं अगर आपको ओवरऑल बता दूं, आठवीं फेज की इलेक्शन डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि आज टोटल जो ओवरऑल परसेंटेज हमारी एवरेज गई है पोलिंग की वो 63.75% गई है, और इसमें फीमेल वोटर्स की परसेंटेज 65.19 है और मेल वोटर्स की परसेंटेज 62.49 है, जबकि अर्बन लोकल बॉडीज की जो दो वार्ड थे वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 7 के काउंसिलर की इलेक्शन थी उसमें जो कुल मिला के एवरेज वोटिंग परसेंटेज है वो 75.35% है, जिसमें फीमेल 72.78 और मेल जो है 77.63%। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, संतोष की बात है कि सारे इलेक्शन हमारे बगैर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट के संपन्न हो गए, कि कहीं से भी किसी भी कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली, और उम्मीद करते हैं कि अब आगे वाला जो हमारा कार्यक्रम है जिसमें काउंटिंग होनी है 22 तारीख को वो भी अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा, हमारी डीडीसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें इलेक्ट होके एक डीडीसी काउंसिल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बन जाएगी।